अर्जिकर हॉस्पिटल में आज डॉक्टरों का पांचवा दिन विरोध प्रदर्शन है। जिस तरह से देखें कि अर्जिकर का यही हॉस्पिटल है जहां पे जो महिला डॉक्टर थी बड़ी बेरहमी से उनकी मौत के घाट उतार दिया गया। पहले उनके साथ में रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दिया गया। इसी के प्रतिवाद में देखें कि यहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, पूरे कोलकाता में जितने हॉस्पिटल हैं वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश में जो डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, सभी विरोध कर रहे हैं। इनका साफ तो कहता है कि नो सेफ्टी नो ड्यूटी, यानी जब तक सुरक्षा की व्यवस्था की गारंटी नहीं मिलती है तब तक ये ड्यूटी पे नहीं जाएंगे और प्रॉपर जिस तरह से जस्टिस न्याय चाहिए। और इसको लेकर कोलकाता या हाई कोर्ट में 3 PIL दाखिल किया गया। कोलकाता हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है इस पूरे मामले की CBI जांच हो। और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोलकाता पुलिस यदि रविवार तक इस पूरे मामले का कोई सोल्यूशन नहीं निकालती है और उसके बाद CBI को सौंप दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि पूरे कोलकाता में सभी हॉस्पिटलों में परेशानियां हो रही है, रोगी परेशान है, लेकिन इन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक इनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्याकांड मामले में जहाँ पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर है, वहीं इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। BJP ने जमकर पश्चिम बंगाल की सरकार और मुखिया ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करते हुए इसे निर्भया 2 करार दे दिया। वहीं भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना में जिस तरह अपराधियों को संरक्षण दिया गया वह और भी अधिक दुखद है। जिस तरह से प्रिंसिपल को 24 घंटे के भीतर किसी अन्य कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है वह बंगाल सरकार के संरक्षण को दर्शाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह बंगाल सरकार द्वारा की गई जांच पर संदेह पैदा करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की CM को उस प्रिंसिपल के प्रति सहानुभूति क्यों है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पे भी सवाल उठने लगे हैं, उन पे भी आरोप लगने लगे हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने भी अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर क्यों न चले जाना चाहिए। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में यौन शोषण और हत्या के आरोपों में जेल काट रहे गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से हरियाणा सरकार ने पैरोल दे दी है, जिससे चाहे वो पंजाब के राजनीतिक दल हैं, हरियाणा के राजनीतिक दल हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा दी गई हैं। क्योंकि ये 10वीं बार है कि बाबा को पैरोल दी गई है और वो भी चुनावों से ऐन पहले, क्योंकि पंजाब में उपचुनाव होने हैं, इसी तरह हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। लेकिन वहीं पर सभी की जो धड़कनें हैं वो बाबा के पैरोल के साथ ही बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बाबा को जब जब पैरोल दी गई है तब तब कोई ना कोई चुनाव होता है, चाहे वो पंजाब में चुनाव हो, इसी तरह हरियाणा में बाई इलेक्शन हो, या फिर उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बाबा का जो अगला आदेश है, क्योंकि जब जब भी चुनाव होता है तो कोई ना कोई आदेश आता है, अब बाबा का अगला आदेश क्या होगा। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। विपक्ष की प्रमुख नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा दावा किया है। सुप्रिया सुले का आरोप है कि उनके बजट भाषण के बाद उनके पति सदानंद सुले को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आई है। सुप्रिया सुले का दावा है कि ये पहली बार नहीं है जब जब वो संसद में बोलती हैं उनके पति को इनकम टैक्स की नोटिस आती है और उन नोटिसेस में एक ही बातें लिखी होती हैं जिसका जवाब सदानंद सुले पहले दे चुके हैं। इस बार जो नोटिस मिली है और उन्होंने जो भाषण दिया है उसकी टाइमलाइन वो मिला रही हैं। इसके अलावा पिछले भाषणों का भी टाइमलाइन मिला रही हैं कि कब कब उनके पति को नोटिस मिला और कब कब उन्होंने क्या क्या भाषण दिया। इसको लेकर BJP का कहना है कि NDA की सरकार में एजेंसियां अपना काम करती हैं, एजेंसियों पर किसी का कोई दबाव नहीं है और BJP के किसी भी नेता को नहीं पता कि उनके पति को नोटिस आई भी है या नहीं आई है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। हाल ही में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में BJP का प्रदर्शन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भले ही निराशाजनक रहा हो, लेकिन एक बार फिर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया है।
पार्टी ने फैसला लिया है कि देवेंद्र फडणवीस ही विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और उम्मीदवारों का चयन करेंगे। ये फैसला बीजेपी के कोर कमेटी के बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसके अलावा पीयूष गोयल और विनोद तावड़े जैसा नेता भी शामिल थे। इसके साथ ये साफ हो गया कि बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और सहयोगी के साथ बातचीत पर फैसला लेंगे। बता दें कि महायुति में गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा का दौर काफी पहले से शुरू है और चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों बिना देरी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। इस बार महायुति में अजित पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना भी शामिल है और हाल ही में लोकसभा चुनाव में महायुति का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस पर विधानसभा चुनाव को लेकर दबाव रहेगा। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, News24 मुंबई। काफी फजीहत के बाद अब डबल इंजन की सरकार की नींद खुल चुकी है, यानी अब किसी भी पुल पुलिया का निर्माण तभी होगा जब जल संसाधन विभाग से एनओसी मिलेगी, यानी अब पुल और पुलिया के निर्माण का एक मानक तय हुआ है। उसी मानक के आधार पर राज्य में किसी पुल और पुलिया का निर्माण होगा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लगातार पुल धराशाही की लगातार खबरें आ रही थी और उसके बाद सरकार की काफी फजीहत हो रही थी। अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, यानी जो भी राज्य में पुल और पुलिया का निर्माण होगा उससे पहले जल संसाधन विभाग से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। साथ में जो भी पुल और पुलिया का निर्माण होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, उसकी भी एक मंजूरी जल संसाधन विभाग के इंजीनियर से लेनी होगी, तभी किसी पुल और पुलिया का निर्माण होगा बिहार में। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 2 महीने के अंदर करीब दर्जन भर से ज्यादा पुल धराशाही हो गए थे और उसके बाद निश्चित रूप से अब सरकार हरकत में आई है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, News24। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। दरअसल पतंजलि के उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के इस केस में माफीनामा पहले ही दाखिल किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हीमा कोहली और संदीप मेहता के बेंच ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर गलत कैंपेन चलाने का आरोप लगाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। विज्ञापन में पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक भी लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि तुरंत इन विज्ञापनों पर रोक लगाए और पतंजलि ने ऐसा किया भी और अब पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो मानहानि का केस था उसे बंद कर दिया है। कैमरामैन विजय के साथ व्याघ्रवाल, दिल्ली, News24। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी से बदलकर चाबी कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने आज पार्टी की बैठक में कहा कि यूपी की इकाई लोकसभा चुनाव के बाद भंग कर दी गई थी। अब तय हुआ है कि पार्टी के 4 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 1 प्रदेश अध्यक्ष होगा। राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव में भी विरोधियों द्वारा पार्टी को कमजोर करने के लिए हमारे सिंबल से मिलते जुलते हॉकी चुनाव चिन्ह को लेकर किसी न किसी को उम्मीदवार खड़ा किया जाता था, जिसकी वजह से पार्टी का 8 से 10 हजार वोट का नुकसान होता था। अब ये तय किया गया है कि सुभाषपा का चुनाव चिन्ह चाबी होगा। अब बंद ताले को खोलने के लिए चाबी चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, आज पार्टी की बैठक में एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर को सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भी राजभर ने साफ कर दिया है कि गठबंधन के तहत सीट मांगना उनका अधिकार है, लेकिन चुनाव वो एनडीए के साथ मिलकर ही लड़ने वाले हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News24। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में क्या सारे नियम आम श्रद्धालुओं पर ही लागू होते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अपने जन्मदिन पर बीजेपी विधायक, उज्जैन से बीजेपी विधायक हैं अनिल जैन कालूहेड़ा, उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना की है। जबकि आपको बता दें कि बीते साल यानी 4 जुलाई से ही गर्भगृह के अंदर किसी भी व्यक्ति के आने जाने की परमिशन नहीं है, अनुमति नहीं है। वहां सिर्फ पंडित या पुजारी अंदर जा सकते हैं गर्भगृह में, लेकिन बावजूद इसके लगातार तमाम बड़े नेता या वीआईपी यहां पर दर्शन करने जा रहे हैं और गर्भगृह तक पहुंच रहे हैं। आपको बताते हैं कि यही वजह है कि कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के विधायक महेश परवार ने कहा है कि बीजेपी विधायक जो गर्भगृह में गए थे अनिल जैन,
उन पर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत गर्भगृह में किसी भी व्यक्ति के जाने की अब बाहरी व्यक्ति खासतौर पर पंडित पुजारी छोड़कर उनकी अनुमति नहीं है। बावजूद इसके आखिरकार क्यों गए, इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर समिति ने भी ये तय किया है पिछले साल से ही कि पूरे साल किसी भी वक्त कोई भी VIP हो या कोई भी नेता हो वो मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकता है। इसके बाद भी लगातार हम देख रहे हैं कि गर्भगृह में लगातार VIP यहां पर पहुंच रहे हैं और नियम तोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज 24, मध्य प्रदेश। बिहार के भागलपुर में पुलिस लाइन में स्थित एक क्वार्टर में 5 लाशों के मिलने के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल यह क्वार्टर एक सिपाही नीतू कुमारी का था जो भागलपुर के SFP ऑफिस में पोस्टेड थी। जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़ा और उसके बाद जब अंदर का दृश्य देखकर सभी की आंखें चौंक गई, क्योंकि अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी। इनमें एक नीतू कुमारी की थी, जबकि उसके 2 बच्चे और उसकी सास की लाशें थी, जबकि उसके पति की लाश जो है पंखे से टंगी हुई मिली थी। फिलहाल इस मामले में मौके पर जब FSL की टीम पहुंची तो उन्हें जांच के दौरान एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी के पति का सुसाइड नोट था, जिसमें उसने इन पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात खुद स्वीकार की है और कहा है कि उसने पारिवारिक तनाव में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इस मामले में FSL टीम मौके पर पहुंची है और उसके बाद DIG और SSP सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे जांच करवाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हत्या की पूरी वारदात को अंजाम दिया है, अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले महिला कांस्टेबल के पति ने पहले अपने 2 बच्चों, पत्नी और अपनी मां का गला रेता और उसके बाद खुद फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी है। फिलहाल पुलिस को इंतजार है अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जिसके बाद आगे का खुलासा होगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज 24। दक्षिणी कश्मीर के गडोल इलाके में लगातार आज चौथे रोज भी ऑपरेशन जारी है। जमीनी सतह से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर कुकरनाग का ये गडोल का जो जंगल का इलाका है, यहाँ पर लगातार सेना के स्पेशल पैरा कमांडोज और जमशी पुलिस के स्पेशल कमांडोज द्वारा आतंकी की तलाश जारी है। इस इलाके में जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढ निकालने के लिए ना केवल सेना जमीन पर मौजूद है बल्कि ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, ड्रोन के जरिए भी आतंकियों को यहां पर ढूंढ निकालने का जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहा है। हालांकि बीच बीच में कल भी यहाँ पर फायरिंग देखने को मिली थी, आज भी एक बार जो है इस इलाके में फायरिंग हुई थी, लेकिन आतंकी जो है इस जंगल के इलाके में घने जंगल और पेड़ों के साथ साथ जो इस जंगल में गुफाएं बनी हुई है उनका सहारा लेकर उसमें छुप जाते हैं। लेकिन सेना की तरफ से लगातार आज चौथे रोज भी इस ऑपरेशन को जारी रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि इस जो ये रेंज है पीर पंजाल का, इसमें छुपे इन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ कर मार गिराया जाए। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, अनंतनाग, न्यूज 24। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाक नियंत्रण रेखा के नौशहरा सेक्टर में। यहां पर भारतीय सेना के जवानों को देखिए कैसे एम्बुश लगाकर घने जंगलों के बीचों बीच बैठे हुए हैं। ये आप जवानों को देखिए, इनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है। जवान जो हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, उपकरणों से लैस हैं और यहाँ पर जवान जो है कई कई घंटों तक इसी तरह से लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं ताकि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। ये देखिए सामने घने जंगल का इलाका और देखिए कि घने जंगल को चारों तरफ से हमारे जवानों ने कैसे कॉर्न किया हुआ है, कैसे एम्बुश लगाया हुआ है, क्योंकि लगातार जो आतंकी हैं वो बॉर्डर के बेहद नज़दीक पहुंचे हैं। इस कोशिश में हैं कि एक मौका मिले भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। और देखिए यही वो सेना के बहादुर जवान हैं जो दुश्मन को उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देते हैं। ये जिस तरफ हमारी नज़र जा रही है हर तरफ हमें जो जवान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये सामने भी आप तस्वीरों में देखिए कि वहाँ पर भी जो जवान हैं वो लेटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जवान घंटों इसी तरह से गात लगाकर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं। यही वो जवान हैं जिनका यही मकसद है कि दुश्मन द्वारा पाले गए आतंकी जो हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, LOC नौशहरा सेक्टर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा लगभग तय हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों में से 6 सीटों पर प्रभारी बनाकर समाजवादी पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि 3 से 4 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं।
जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रभारी तय किए हैं उसमें कटहरी, मिल्कीपुर, मझवा, करहल, फूलपुर और सीसामऊ की सीट शामिल है। बची हुई 4 सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। जानकारी के मुताबिक अगर समाजवादी पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलती हैं तो एवज में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 3 से 4 सीटें दे सकती है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रभारी अलग से घोषित कर दिए हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News 24। 17 अगस्त को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा बीजेपी के राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों को भी बुलाया गया है। मुख्य तौर पे एजेंडा जो है वो ये है कि आने वाले राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं उसकी तैयारी कैसी है, उसको लेकर बाकी राज्य अपने यहाँ से कैसे मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के हार की जो समीक्षा हुई है उस दृष्टिकोण से भी इस बैठक में चर्चा होगी। यानी हार एक तरह से अगर कहा जाए कि 370 सीटों का लक्ष्य था, 130 सीट पीछे बीजेपी रह गई, 240 के आसपास सीट आई, तो 130 सीट कम क्यों आए, इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी। मुख्य तौर पे आगे की रणनीति भी बनेगी कि अगले एक साल में संगठन का विस्तार कैसे होना है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक और जो क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है, संगठन महामंत्रियों को बुलाया गया है, कि उनकी बैठक के बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी इसके बाद, बैठक के बाद मेंबरशिप ड्राइव शुरू होगा देश भर में, क्षेत्र स्तर पे, लोकल स्तर पे चुनाव होंगे और धीरे धीरे जब 51% राज्यों के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का सिलसिला शुरू होगा। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बीच में ऐसी भी खबर थी कि कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सूत्रों के हिसाब से जो मालूम खबर आई है उससे फिलहाल जो स्थिति है कि जेपी नड्डा अभी कुछ दिन तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते हैं। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरा, News 24 दिल्ली। गुजरात में गुल्लीबाज शिक्षकों की अब खैर नहीं, जांच में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। कई शिक्षक हैं विदेश यात्रा पर तो कई हैं लंबी छुट्टी पर। शिक्षित और विकसित गुजरात में गुल्लीबाज शिक्षकों का मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। कई शिक्षकों द्वारा विदेश में रहने के बावजूद यहां स्कूल में उनकी चालू ड्यूटी के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे में अचानक नींद से जागी सरकार ने इस गुल्लीबाज शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य के DEO और DPO द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुजरात में 17 जिलों के 32 शिक्षक बिना अनुमति के विदेश यात्रा पर है तो कई शिक्षक लंबी छुट्टी पर भी है। अहमदाबाद जिले के सरकारी ग्रांटेड स्कूल में 4 शिक्षक विदेश प्रवास पर है तो जिनमें से एक शिक्षक 177 दिन की छुट्टी पर है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा इतनी लंबी छुट्टी कैसे मंजूर की गई। वहीं अहमदाबाद ग्राम की सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 8 शिक्षक 90 दिन से भी ज्यादा छुट्टी पर है जिनमें से 7 शिक्षक विदेश यात्रा पर है। एक जानकारी के मुताबिक राज्य में कुल 151 शिक्षक इस तरह से लंबी छुट्टियों पर है। ऐसे में अब सरकार इन पर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कर रही है। कैमरा प्रदेश साहब भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, News 24।